ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान विकास के लिहाज को काम किए गए, वो आज के समय में हमारे देश के लिए केवल विरासत बनकर रह गई है। इन्हीं विरासतों में से एक है कालाडूंगी की आयरन भट्टी, जो कभी उत्तर भारत की पहली आयरन भट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज यह आयरन भट्टी केवल विरासत बनकर रह गई है। क्या है इस आयरन फाउंड्री का इतिहास, आइए जानते हैं। कालाडूंगी नैनीताल जिले का छोटा सा कस्बा, जहां 1858 में डेविड एंड कंपनी द्वारा उत्तर भारत की सबसे पहली लौह भट्टी स्थापित की गई। यहां लौह भट्टी स्थापित करने का मकसद ये था कि लौह भट्टी के लिए कच्चा माल आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में उपलब्ध था। लौह भट्टी के यहां स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला और अच्छा व्यवसाय भी, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए सन 1876 में सर हेनरी रैमसे द्वारा पेड़ों के कटान पर रोक लगाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। दरअसल इस लौह भट्टी का इतिहास कालाडूंगी कस्बे से ही जुड़ा है। जिन बड़े बड़े काले पत्थरों को लौह अयस्क के लिए भट्टी में प्रयोग किया जाता था, उसे कमाऊनी भाषा में कालाडूंग यानी काला पत्थर कहा जाता है, जिससे इस कस्बे का नाम कालाडूंगी पड़ गया। इस लौह भट्टी की चार संरचना अभी भी यहाँ बनी हुई है, जो बदहाल और खस्ता हाल पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भट्टी के आसपास के खेतों में जुताई के दौरान लोहे के अवशेष अभी भी मिलते रहते हैं। ये भट्टियां हैं, वहां पे उन्होंने रुड़की नाम रखा हुआ है, तो जो है कोटा बाग आप पूछेंगे तो रुड़की आपको पता लग जाएगा। रुड़की एक जगह है, वहां पे आपको आयरन पत्थर भी मिल जाएगा और वो भट्टी भी देखने को मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ की जो कालाडूंगी की भट्टी है, वो उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री है। ये आयरन वर्क्स इंडस्ट्रीज के नाम से जो है जानी जाती थी। उस समय जो है 250 आदमी वहाँ पे काम करता था उसमें, आयरन फाउंड्री में। आज जो है उसी प्रकार से खंडहर के रूप में है, वो यथावत है, धरोहर के रूप में है। वो कितनी पुरानी है, धरोहर है। और उसकी भी कहानी थी कि उसमें लोहे को ठंडा करने के लिए बौर नदी से एक कैनाल बनाई गई थी, जो कैनाल भी आज आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसी भट्टी जो लोहा निकलता था उसको ठंडा करने के लिए बनाते थे। इसीलिए क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे जो है ढूंग शब्द जो है वो पत्थर को बोलते हैं, और काला पत्थर यहाँ मिलता है, इसीलिए काला ढूंगी इसका नाम रखा गया है। जिम कार्बेट ने किताब माई इंडिया में इस लोहे के कारखाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस भट्टी से जंगलों का विनाश होने की आशंका से इस कारखाने को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज लौह भट्टी के अवशेष बदहाल हालत में पड़े हुए हैं, जिसकी शुद्ध लेने की ज़रूरत कभी भी सरकार ने नहीं समझी। उनके मुताबिक अगर सरकार इस लौह भट्टी को संरक्षित करने के प्रयास करती है तो यहां पर्यटन को नया आयाम मिलता है, क्योंकि लौह भट्टी को देखने पर्यटक यहां आते रहते हैं। और वो आयरन फाउंड्री है, आज भी है, और वो 1854 के दशक में वो यहाँ बनाई गई थी। और उसके बनाने का मेन मकसद आयरन फाउंड्री का यही रहा कि यहाँ के जो हमारे जो पहाड़ हैं इनमें जो है काला पत्थर होता है, और उस काले पत्थर को गला करके फिर उससे जैसे लाइम स्टोन को गला करके लाइम बनाते हैं पत्थर को गला के, वैसे ही ये आयरन स्टोन था ये, तो उसमें से गलाने के बाद इसमें लोहा निकलता था। तो गलाने की भट्टियाँ आज भी वो यहाँ पर हैं। तो 1860-62 के दरमियान में वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई गवर्नमेंट को। वो इसलिए बंद करनी पड़ गई क्योंकि उस भट्टी में, आयरन फाउंड्री में, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते थे और जिससे वो गर्म होता था। तो उसमें सर हेनरी रैमसे यहाँ पे कमिश्नर रहे, तो उन्होंने जो है इस पर रोक लगाई। उन्होंने कहा भी इस टाइप से आप एक तरफ से पहाड़ आप खोद रहे हैं और उसके बाद इसमें लोहा निकाल रहे हैं, और तो इसलिए ये आपको बंद करनी पड़ेगी। तो उसको स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि उन दिनों जो है ये पहले लाल कुआं तक रेलवे लाइन थी, लाल कुआं के बाद हल्द्वानी बाद में आई, तो वो लोहा जो है कहाँ से आता, तो लोहा ब्रिटिश समय के उस समय उन्होंने लोहा यहीं से गलाया। तो ये चार भट्टियाँ हैं, एक कोटा बाग में है, एक हमारी कालाडूंगी में है, और एक जो है खुरपा ताल पे है, और एक जो है रामगढ़ में है। उत्तराखंड के इतिहास में ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई महत्वपूर्ण चीज बदहाल हालत में पड़ी हो। जानकारी की माने तो सरकार को बदहाल पड़ी इस लौह भट्टी को संरक्षित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे इस इलाके को एक नई पहचान मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। कालाडूंगी से ललित मोहन बदानी की रिपोर्ट।